हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं अपनी बहन का मेकअप कर रही हूँ। तो मैं जब भी अपनी बहन का मेकअप करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है इसका मेकअप करने के लिए। सो सबसे पहले मैं स्किन को प्रेप कर रही हूँ। मैंने सीरम यूज़ किया है और फिर मैं प्लिक्स का ये मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ जो कि ग्लो मॉइस्चराइज़र है। मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। वैसे आज जो मैं लुक कर रही हूँ वो रिसेप्शन लुक है। सो इसका मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक क्रिएट किया है आज रिसेप्शन लुक में। पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर मैं प्राइमर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो कि पोर फिलिंग प्राइमर है क्योंकि इनके स्किन पे ओपन पोर्सेस थे। अब मैंने दो फाउंडेशंस को मिक्स करके इनका एग्जैक्ट शेड बनाया है जो कि था मैक और एनास्टासिया बेवरली हिल्स का। दो फाउंडेशंस को मैंने मिक्स कर लिया था, अब इनका शेड बना लिया। अब मैं एक स्टिपलिंग ब्रश ले रही हूँ, डुओ फाइबर ब्रश, जिससे पूरे फाउंडेशन को इनकी स्किन में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैंने। और स्प्रेड करने के बाद अब ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है तो अच्छे से देख लीजिए। फिर मैंने कंसीलर लिया है जो कि इनकी स्किन टोन का ही कंसीलर था। मैंने लाइटर कंसीलर यहाँ यूज़ नहीं किया, इनकी स्किन टोन के मैचिंग का कंसीलर लिया और उसे बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है अब इनके स्किन के ऊपर। ब्लेंड करते वक्त ध्यान रखिए कोई हार्श लाइन ना रहे आपके मेकअप में। अब बेकिंग के लिए मैंने रिकोट का सेटिंग पाउडर लिया है और इससे मैं इनकी अंडर आई को सेट करूँगी और मैं 2 मिनट के लिए पाउडर को लगा करके छोड़ दूंगी जिससे कि इनका अंडर आई अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ इनके स्किन पे, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सी ब्रॉन्जिंग की ज़रूरत है। बस ब्रॉन्जिंग मैंने कर दी है और अब मैं हल्का सा ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बहुत मिनिमम सा मैंने थोड़ा नोज़ पे, थोड़ा चिन पे भी यूज़ कर लिया है। अब मैं इनके आई मेकअप की तरफ आ गई हूँ। आई मेकअप इन्होंने मुझे प्रेफरेंस में दिखाया था थोड़ा नेचुरली चाहिए था, बट उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया था। मैंने यहाँ पे पिंक ट्रांजिशन कलर लगाया है अभी और ये ट्रांजिशन एरिया है हमारा आई का और यहीं पर मैंने लाइट पिंक कलर को अप्लाई किया हुआ है। और अब मैं पर्पल कलर का यूज़ करी हूँ इनके लैश लाइन के ऊपर। लैश लाइन हमारी जो जहाँ पर हम लाइनर लगाते हैं वहीं पर मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है और उसको मैं स्मर्च कर रही हूँ पर्पल कलर लगा के और अच्छे से मैं दोनों आँखों में स्मर्च कर लिया उसको। और अब मैंने पिंक कलर का लाइनर लगाया इसको थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए। अब मैंने आई लैशेज लगा दिए, मैं अब आईब्रोज कर रही हूँ और आईब्रोज करने के बाद अब मैं लिप्स कर रही हूँ और लिप्स में मैंने पिंक टोन ही रखने के लिए सोचा था तो मैं वही रख रही हूँ इसमें। और ये था हमारा लिप शेड। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि हाँ यार, पहले इनके नखरे देख लो, है ना। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कह रही थी मैं, सबसे बड़ी बात होती है ना यार कि लोग बोलते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के काम पे तो यार भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके तो लाइट्स में मेकअप होते हैं और लाइट में और डे लाइट में फ़र्क आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पहले तो आप लोग एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को चुनो जिसका काम अच्छे से देखो। इस वीडियो में मैंने दोनों शूट दिखाए हैं। ये मैंने विदाउट रिंग लाइट शूटिंग करी थी और ये रिंग लाइट की शूटिंग है। सो इसको भी आप लोग देख लो, बिफोर एंड आफ्टर सब आप अच्छे से इस वीडियो में देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे एवरीडे शॉर्ट्स आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।